मुली बोले हैं घर के लिए। मतलब हमारा हो गए 2 महीना हो गए कनेक्शन के लिए, पैसा जमा किए, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सोमवार को वितरण के लिए बोला था, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कनेक्शन के लिए आए थे, जो सामानी नहीं मिल पा रहा है। हर समय आते हैं तो 5 दिन का वादा करते हैं, फिर 5 दिन बताइए, हम लोगों की फसल निकली जा रही है, कब बोएंगे हम लोग। बुंदेलखंड के लिए योगी सरकार जी ने 18 घंटे के लिए अनाउंसमेंट किया था कि 18 घंटे बुंदेलखंड को लाइट मिलेगी। यहाँ पे ये समस्या है कि 1 घंटे 18 मिनट लाइट नहीं मिल रही है। 4 पैसे उठ नहीं पाते, लाइट आती है बटन दबा नहीं पाते, लाइट चली जाती है। कभी एसी साहब को फोन लगाते हैं तो कहते हैं मैं एक्शन से बात कर रहा हूँ, एक्शन को फोन लगाते हैं कह रहे जेई से बात कर रहा हूँ। जेई इतना बड़ा तुर्रम सा है, हमारे जारी रजनी सर इतना बड़ा तुर्रम सा है कि उसके आगे कोई गुंडा ही नहीं बांधे जिले के अंदर बिजली विभाग में। यहाँ जनता मर रही है, फोन करते हैं सर कोई फोन रिसीव नहीं होता हमारा। पावर हाउस फोन करते हैं, पावर हाउस में सीधा जॉब मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। अभी शनिवार को जो उनके साथ वार्ता हुई थी उसमें ये बताया गया था कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसा एसी स्टोर के आश्वासन जो आगरा में बैठते हैं उनके आश्वासन पर वायदा किया गया था। किसी वजह से वो ट्रांसफार्मर अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। 96 ट्रांसफार्मर्स आने की बात थी, जिससे 26/9 तक के जो इंडेंट हैं उनका सामान पूरा निर्गत हो जाता है, परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। तो अब पुनः वहाँ बात की गई है, मुख्यालय पे आगरा एसी स्टोर से भी बात की गई है, तो उन्होंने अन्य स्थान से 72 ट्रांसफार्मर यहाँ भिजवाए हैं। 15 सितंबर के बाद जितने भी हमारे नए कनेक्शन निर्गत किए गए हैं उसमें उन्हीं रसीद पे ही लिख दिया गया है कि 3 माह से पहले सामग्री नहीं मिलेगी, तो उतना इंतजार तो उनको करना था। लेकिन जो उससे पूर्व के हैं उनको देना हमारा दायित्व था। आंधी तूफान में और विभिन्न जो ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इन योजनाओं में काफ़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर्स और खंभों की खपत हो गई है, जिसके कारण ये कमी है। इसके अलावा शासन से जो क्षतिपूर्ति मिलती है उनको, मतलब जो 68,000 की हम छूट देते हैं वो शासन से मिलती है, तो इनके समतुल्य वो भी अभी पूरी नहीं आई है, तो ये और परचेज करने में भी थोड़ी हेडक्वार्टर को दिक्कत है, जिसकी वजह। और इसके अलावा 580 लोगों को सामान हम दे चुके हैं,